समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम के साथ मैं आशा निवेदी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से सोमवार रात 9:30 बजे प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम के मंच से हम किसी न किसी महत्वपूर्ण विषय को उठाते हैं और एक सार्थक बातचीत से गुजरकर ठोस नतीजों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आज पब्लिक स्पीक में हमारा विषय है असंगठित क्षेत्र में कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कौशल विकास आज एक ऐसा विषय है जिस पर सरकारी और सामाजिक स्तर पर महत्वपूर्ण विमर्श चल रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से आबादी के एक बड़े हिस्से को हम रोजगार सक्षम बना सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री ने भी स्वाधीनता दिवस के अपने संबोधन में स्किल इंडिया मिशन की बात कही थी। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप चेनॉय और वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ जराबी। आप दोनों का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और श्रोताओं, आपकी भागीदारी के बिना हमारा कार्यक्रम अधूरा है, आपकी भागीदारी बेहद जरूरी है, तो आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली हैं, नंबर है 2331444। दिल्ली से बाहर की श्रोता इस नंबर से पहले 011 यानी 011 डायल करना न भूलें। एंड वन थिंग मोर, एज आवर प्रोग्राम इज बाइलिंगुअल, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन हिंदी और इंग्लिश, यू विल गेट द आंसर्स इन द सेम लैंग्वेज। ये कार्यक्रम दूरदर्शन की डीटीएस सेवा पर भी उपलब्ध है। हमारे एक श्रोता कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं दिल्ली से, संजय जी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार संजय। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मैम, और इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोग संचालित कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका भी शुक्रिया मैम। मेरा प्रश्न ये है कि असंगठित क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग होते जी, हैं जी जी, उसके लिए ना मतलब सरकार क्या कार्यक्रम चला रही है, और मतलब और किस तरह से मतलब उनको सपोर्ट मिल रहा है जी, मिल रहा है सरकार की ओर से जी। चिनोय जी, ये सवाल आपकी तरफ। वैसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल लेबर फोर्स का लगभग 94% असंगठित क्षेत्र में है। इन्होंने पूछा कि सरकार क्या कार्यक्रम चला रही है। तो सरकार की जो कार्यक्रम है वो अलग अलग मंत्रालय उसको लेके आगे बढ़ते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में है वो रूरल एरियाज में ट्रेनिंग करवाती है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अगर इस क्षेत्र के लिए ट्रेनिंग लेना चाहता है, जैसे प्लम्बर हो या मेसन हो या ड्राइवर हो या जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कुक हो, तो वो अपने पसंदमंदी कार्यक्रम में शामिल होकर के ट्रेनिंग लेकर के एक सर्टिफिकेशन पा सकते हैं, जिसके बदौलत वो आगे जाकर के उस क्षेत्र में काम कर सकता है। दूसरे जो और जो अर्बन एरिया में है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन और पॉवर्टी एवेल्यूशन का जो प्रोग्राम है, हुपा का जो प्रोग्राम है, वो जैसे दिल्ली में लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने जाते हैं उनके ट्रेनिंग सेंटर में जाएं। एनएसडीसी के जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के भी देश भर में 2000 से ज्यादा सेंटर्स है जिसमें लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आप लंबी एक या दो साल की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपको वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी दाखिला लेकर के वो एक या दो साल का आप ट्रेनिंग ले, या 8वीं के बाद या 10वीं के बाद। तो ये विभिन्न प्रोग्राम है जो आप ज्वाइन करके स्किल डेवलपमेंट के द्वारा आगे जाके अपना जिंदगी बना सकते हैं। संजय जी, संभव है कि आपकी जिज्ञासा का समाधान हुआ होगा। अगर और भी कुछ आप पूछना चाहते हो तो हमें दोबारा फोन कर सकते हैं। झारखंड से हमारे एक श्रोता रत्नाकर जी। हाँ रत्नाकर जी। गुड इवनिंग मैम। नमस्कार, अपनी बात कहिए। झारखंड से रत्नाकर भारती बोल रहा हूँ, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से जी। मैम ये बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जी, और बहुत ज्यादा बेरोजगारी है जिससे कि लोग नक्सली की तरफ आकर्षित होते रहते हैं जी।
तो इस तरह के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए ऐसा क्या अनस्किल डेवलपमेंट के लिए जो है प्रोग्राम चला रही है सरकार, ये जानना चाहते हैं। और दूसरा क्या कि कुछ ऐसे क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा विशेष प्रोग्राम चला करके लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता जिससे कि वो नक्सल प्रभावित मतलब नक्सली ना बने। हाँ रत्नाकर जी, आपकी बात मैं सौंप रही हूँ अपने विशेषज्ञ को। जरा बेटी ये प्रश्न आपकी तरफ, क्योंकि कौशल विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही है कि हम बेरोजगारी दूर करें, रोजगार को बढ़ावा दें, तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में क्या स्थिति है ऐसे कार्यक्रमों को चलाने की? देखिए, जहां तक मेरे प्रवास रहे हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में और झारखंड के जो कई सारे क्षेत्र हैं, इनमें पिछले 10 वर्षों में अगर आंकलन लगाया जाए तो प्रयास काफी किया गया है। और दिलीप जी की संस्था जो कार्यक्रम कर रही है, इनके पास ये आंकड़े भी होंगे। परंतु जो इनका दूसरा सवाल था कि विशेष कार्यक्रम क्यों नहीं चलता है, देखिए इसमें समस्या जो सबसे बड़ी आज तक हम पा रहे हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो और क्षेत्र हो अपने भारत के जम्मू कश्मीर में, इनमें समस्या है कि इंडस्ट्री की लिंकेज किस प्रकार से की जाए। और इंडस्ट्री लिंकेज एक तो ये हुआ कि उस क्षेत्र से स्किल डेवलप करवा के दूसरे प्रांतों में जाए व्यक्ति, बड़े शहरों में आए, दिल्ली में आए, मुंबई में आए, और दूसरा है कि वहीं पे स्थानीय विकास हो इंडस्ट्री का, जिससे वहां पे नजदीक में नौकरियां मिले। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली का जो एनसीआर का क्षेत्र है, जिसमें हम हरियाणा को भी अगर जोड़ें, इसमें ये लिंकेजेस काफी एग्जिस्ट करती हैं, झारखंड जैसे प्रांत में नहीं है। और जैसे जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग जो विभाग एक हिसाब से बने हैं और उस पर हम चर्चा करेंगे अभी, मेरे विचार से जो 2-3 कार्यक्रम हैं जिनकी विस्तार में जानकारी दिलीप जी दे पाएंगे, झारखंड में भी स्किल मिशन और रोशनी कार्यक्रम केंद्र की तरफ से, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से चलाया जाता है, पर आंकड़ों के विषय में शायद दिलीप ज्यादा और जानकारी। लेकिन सर अभी जी एक सवाल अपनी जगह पर खड़ा रहता है, वो ये कि ऐसे क्षेत्रों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां के असामाजिक तत्व लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा से नहीं जुड़ने देते हैं, वैसे क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम सुविधाजनक ढंग से चलाए जा सकें, इसके लिए क्या प्रयास हैं फिलहाल? देखिए, पिछले 5 वर्षों में, और मैं इस बात को केवल झारखंड से नहीं पर दूसरे उन चीजों से जोड़ूंगा, हालांकि कुछ प्रकार के कार्यक्रम और गतिविधियां पिछली सरकार ने की, सबसे बड़ी इनमें ये एक कमी जो हमने पाई है वो ये है कि कई प्रकार की संस्थाएं बनाई गई हैं, अलग अलग सरकारी विभागों ने उस पर कुछ न कुछ करना चाहे। आप ये देख लीजिए एक आंकड़ा जो शायद चौंकाने वाला होगा कि केंद्र की तरफ से कौशल विकास और कौशल भारत, अगर इस कार्यक्रम का नाम हम दें, तो ये करीब 21 मंत्रालयों में बटा हुआ है, एक डिपार्टमेंट भी बना है इसके लिए, और ये केंद्रीय है, फिर स्टेट्स के अपने अपने कार्यक्रम हैं। तो एक जो कोऑर्डिनेशन की कमी जो हम पा रहे हैं, उसके चलते हो सकता है कि काफी हद तक जो स्पेसिफिक टारगेटेड प्रोग्राम्स हैं उनकी कमी, जैसे जो अपने श्रोता अभी जतला रहे हैं, जो उनका प्रश्न है वो यही है कि जानकारी का भी अभाव है। मैं बार बार यही कहूंगा कि कोई भी स्पेशल प्रोग्राम हो सकता है कि एक पॉपुलिस्ट प्रोग्राम हो, कुछ समय के लिए वहां के लोगों की जानकारी को और उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाए, पर वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होता है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है अगर इंडस्ट्री और उस क्षेत्र में जो इंडस्ट्री को जो स्किल्स चाहिए उनकी आपस में लिंकेज कराई जाए। नैनीताल से हमारे एक श्रोता प्रतीक्षा कर रहे हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, गिरीश जी। हेलो, हाँ मैं गिरीश सवाल बोल रहा हूँ नैनीताल से। जी मैडम, मैं ये जानना चाहूंगा कि कौशल विकास के लिए उत्तराखंड जैसे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जी क्या कोई विशेष योजना तैयार कर रही है सरकार? और जी मेरा ये है कि मैम, पहले से ही कौशल विकास के लिए तमाम कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे जन शिक्षण संस्थान एक भारत सरकार का उपक्रम है, इसके थ्रू कार्यक्रम चलाया जाता है। पर मैम होता क्या है कि पर्वतीय क्षेत्र के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक ये कार्यक्रम पहुंच नहीं पाते आसानी से। जी चिन्नौय जी, गिरीश जी आपका जो सवाल है बहुत ही एक तरीके से महत्वपूर्ण है, और अलग अलग क्षेत्रों के लिए एक तरीके से जो लोकल स्टेट राज्य की जो स्किल मिशन है वो इसको सोच समझ के अपने कार्यक्रम बनाते हैं,
और दूसरे जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का हो या मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का हो या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जैसे सिद्धार्थ ने बताया, उनके जो सारे प्रोग्राम्स हैं उनको भी एक तरीके से स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा एक हमने एक सुविधा उपलब्ध की है और भी जो लोग सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को वो भी इसका इसका फायदा उठा सकते हैं। हमने एक मिस्ड कॉल की सुविधा दी हुई है और उसका नंबर है 0880055555। अगर आप इस कॉल पे एक मिस्ड कॉल देंगे तो आपको उस दिन या अगले दिन एक कॉल वापस आएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके किस प्रोग्राम में दिलचस्पी है, आप कहां पे रहते हैं और आपको जो नजदीकी जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है उसकी जानकारी दी जाएगी। चिनोय जी जरा इस नंबर को एक बार फिर दोहरा दें ताकि वो नोट कर लें। तो ये 0880055555 ये एक मिस कॉल का एक जरिया है। एनएसडीसी के द्वारा हम इसको सुविधा देते हैं हर जो व्यक्ति कहीं पे भी हो, और हमारी ये प्रयास होती है कि अगर आप इस कॉल को कॉल करेंगे तो आपके मोबाइल द्वारा जो नंबर है उससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप कौन से भाषा में बात करेंगे और उसी भाषा के लोग इससे कोशिश करते कि वो आपके कॉल को एक तरीके से जवाब दें। शहडोल से हमारे एक श्रोता संकल्प जी मध्य प्रदेश से। गुड इवनिंग टू ऑल। आई हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस टू माय एक्सपर्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इट हैज बीन अ स्कीम फ्रॉम द यूपीए टाइम एंड टिल नाउ फॉर द एनडीए टाइम, बट डू वी रियली हैव द वेयरविथऑल टू डील विद ऑल दीज स्कीम्स? I mean, do we really have the institutes to train all these people in the National Skill Development Council? Because I have seen that the decentralization process has not started for this particular scheme. It has so much of the centralized. And my second question is that, see, what after training? Means I am an engineer. I have done my engineering from a good institute, and after that National Power Thermal Institute, but still unemployed. So do you think that really all these employment that National Skill Development Corporation is giving, will it be really a boon for us, because we don't have the institutes to absorb these talents? We don't have the manufacturing sectors booming up. So do you really think that whether this will work out? So Sankalp, thank you very much for your question. You've raised two very important points. The first relates to jobs. If there are no jobs, what is the point of getting people skilled? And if you have heard Prime Minister carefully, he is talking about developing entrepreneurs. So if you are, let's say, a power engineer and you are trained in that, so today solar energy is gaining a lot of importance, so that you can actually see how it it is an opportunity for you to take an entrepreneurial route and try and take that. So one is not only jobs but also looking at entrepreneurship. The second point that you question that you raised was about the capacity for skill development. You are absolutely right. If you look at the total training needs of what the government wants to do is train 5 crore people by the end of the 12th five-year plan. We don't have that many training institutions, and the challenge here is to increase the number and scale up the number of institutions that are being set up every day. That is what NSDC is actually trying to do, and also the ministries are trying to do. In the last year, about 73 lakh people were skilled. This year, we are looking at skilling over a crore of people. And next year, it will again increase by 20%. So we are trying to expand this. And the difference that everybody is doing now is that the job is related, the training is related to a job. So industry and employers are creating standards, and we are training people to the standards. So earlier, even if you were trained and there was a job, a lot of industry felt that you were not employable because you did not have the skills that they wanted. So we are trying to address that issue by creating standards and get industry to certify. I just wanted to add a quick point on the overall issue of availability of jobs, which is what you seem to have mentioned. Understand that 10 years back, when we were in a high growth phase, jobs were being created because the economy was growing. There was more investment going into industrial capacities, into the service sector. Unfortunately, we have lost steam on growth. We have lost impetus on manufacturing, and we are largely now a services sector driven economy. And in the services sector, as we have seen,
because there was a glut of professionals who were getting trained for the services sector. For instance, let's take the retail sector or the hospitality sector. The salary levels in that are not commensurate with the kind of investment that a student puts in. And that is one of the on-ground feedbacks that you get, that there are people who are over-educated, perhaps in some ways over-skilled after 2-3 years on the job experience that they gain, but the salary levels are going down because the real growth will always come from a manufacturing sector led economy. And that, I think, is what needs to be attended to and taken care of. इस बीच में मुंबई से हमारे श्रोता वर्गीज कार्यक्रम में शामिल होना चाह रहे हैं. हेलो. हाँ हेलो, मैं वर्गीज बोल रहा हूँ. जी जी, सबको नमस्कार. नमस्कार. मैं आपका कार्यक्रम हमेशा सुनता हूँ और मुझे कई बातें बोलने की भी इच्छा होती है, लेकिन कभी कभी मुझे लाइन नहीं मिलता. अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो आपका जो स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसके तहत मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ. मैं मुंबई से करीबन 400 किलोमीटर आगे कोल्हापुर के पास ये काफी डेवलप हुआ है. वहाँ मैं कम से कम एक 25 लाख रुपए का कपड़ा लेके वहाँ गया और पूरा मेरा कपड़ा बर्बाद हो गया और मैं वापस आया. क्योंकि जो आप जो प्राइवेट लोगों को ये स्किल डेवलप कराने के लिए देते हैं ना, वो सिर्फ गवर्नमेंट की सब्सिडी लेके फैक्ट्री लगाने के ऊपर ही वो लोग जान ले, वो स्किल डेवलप नहीं कराते. एक सीधी सिलाई भी वो लोगों को लगाना नहीं आता है, सिर्फ उनको उनका सिर दिखाते हैं, वहाँ पे आए हैं और उनको जो भी देना है देते हैं. वहाँ कोई ट्रेनिंग वगैरह कुछ होता नहीं है, सिर्फ नाम के लिए होता है. गवर्नमेंट की सब्सिडी लेके वो लोग फैक्ट्री लगाते हैं और 3-4 साल के बाद वो फैक्ट्री भी बंद हो जाती है. अभी देखो, मजे की बात यह है कि हिंदुस्तान में अच्छे से अच्छा कपड़ा बनता है, लेकिन वो कपड़ा जाता है बांग्लादेश और श्रीलंका. मैं एक कंपनी का, बाहर के कंपनी का टेक्निकल एडवाइजर भी हूँ. वहाँ श्रीलंका के लोग काम करते हैं. उसी कंपनी का गांधीधाम SEZ के अंदर एक फैक्ट्री है, उसको सेट करने के लिए बांग्लादेश के टेक्निकल लोग आए, उन्होंने इंडियन लोग को ट्रेन किया. बट अनफॉर्चुनेट बांग्लादेश हमसे सस्ता है, इसलिए कपड़ा वहां जाता है और वहां स्टिच होता है, क्योंकि वहां पर ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाती है. यहां पर प्राइवेट को देने के बजाय आप गवर्नमेंट खुद चलाना चाहिए, साथ में हम जैसे जो लोग जानकार है उनको इन्वाइट करना चाहिए. हमसे जैसे आप पहले हॉस्पिटलों में बाहर से डॉक्टर आते थे और वो लोग जो जनरल पब्लिक को ट्रीटमेंट देते थे, ठीक इसी तरह हम लोग को बुलाएंगे. हम जैसे जो लोग ये काम में वर्षों से लगे हुए, मैं दूसरा जनरेशन हूँ ये लाइन में, हम जैसे लोग उनको जो ट्रेनिंग और उनको जो आइडिया और उनको जो थीम बता सकते हैं, वो ये प्राइवेट कंपनी वाले कभी नहीं कर सकते. इनकी मंशा यही है हाउ टू गेट सब्सिडीज, और वो सब्सिडी लेने के बाद उसमें पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व है और हमारे कई हाउसेस भी हैं. वर्गीज जी, मैं आपका सवाल बढ़ाती हूँ. चिनॉय जी, बहुत बड़ा आरोप है ये कि कौशल विकास के नाम पर सिर्फ सब्सिडी लेना ही उद्देश्य है. नहीं वर्गीज जी, आपने जैसे बताया कि काफी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और वो प्राइवेट सेक्टर के जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है उस स्कीम का फायदा उठाते हैं, तो इसी बात को ध्यान रखते हुए जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो प्रोग्राम है वो हम किसी को सब्सिडी नहीं देते. जो हमारा जो प्रोग्राम है वो हम लोगों को एक लोन देते हैं कि आप उसके द्वारा एक स्किल सेंटर बनाइएगा. दूसरी जो बात है, जो स्किल सेंटर में जो ट्रेनिंग होती है उसकी जो सर्टिफिकेशन हम कराते हैं, हम सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा कराते हैं, जो आपके जैसे इंप्लॉयर्स को मिलाकर के बनाए जाते हैं. और आपने जैसे क्या आपके पास एक्सपीरियंस है कि आपको किस प्रकार के लोग अपने फैक्ट्री में काम करने के लिए चाहिए और उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, तो वो जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं सेक्टर स्किल काउंसिल्स और वो खुद ही सर्टिफाई करके अपने साथ एम्प्लॉय करते हैं. तो ये अभी एक नया तरीके से कार्यक्रम है. और सबसे अच्छी बात यह है कि जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है वो भी जो प्राइवेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी उनको कह रहे हैं कि आप भी जाके अपने का जो सर्टिफिकेशन है वो इस सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा कराइएगा, तो उससे एक तरीके से क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग के ऊपर एक चेक होगा. और हमने देखा कि कई प्रोग्राम्स जो इसके
असेसमेंट किए जा रहे थे उसमें काफी हाई फेलियर रेट हुए थे, क्योंकि लोगों को जो आउटपुट और प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे और खाली जो काम जो है या मशीन, जैसे आपने कहा उनको खाली मशीन चलाना आता है, वो सीधे मशीन नहीं चला सकते हैं। तो ये एक परिवर्तन आ रहा है और सारे जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ये एक तरीके से इनपुट को छोड़ करके आउटकम पे, सर्टिफिकेशन पे जो एम्प्लॉयर्स द्वारा किए जा रहे हैं उस पे एक तरीके से ध्यान दे रहा जा रहा है। दिल्ली से हमारे श्रोता चंद्र प्रकाश जी। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम, मैं एक जेई मतलब विशेषिक हट के मैं पूछ रहा हूँ। जैसे आप स्किल डेवलपमेंट एक अलग से मिनिस्ट्री बना दिया, इससे अच्छा ये नहीं है कि आप स्कूलों में ही से शुरू कर दें? एक लड़का जो है करीब 15-20 साल स्कूलों में गुजारता है, उसको वहीं से जो उसके घर के संस्कार है, माना वो लड़का जो है किसी दर्जी का लड़का है, उसको अपने चॉइस का वहां पे मिल जाए, बजाय वो जो है 14-15 साल वो लगाता है रटने में, किसी विषय को पढ़ने में, और लास्ट में वो जो है कि रॉ हैंड ही होके आता है। तो आप स्कूलों से शुरू करा दीजिए इसको। हाँ, आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं जरा अभी जी। देखिए, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है और ये बात दरअसल अगर इसको देखा जाए तो ऐसा हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल निरक्षर हो, और मैं इस पे सवाल नहीं उठा रहा हूं जो लोग स्किल डेवलपमेंट करते हैं या कौशल के थ्रू अपनी रोजगार चलाना चाहते हैं, अगर बिल्कुल निरक्षर हो या स्कूल गया हुआ व्यक्ति हो और उसने वहां पे पढ़ाई ठीक से ना की हो, तो उसे सोफिस्टिकेटेड स्किल्स इम्पार्ट करना काफी कठिन होगा। जिस प्रकार से अगर आपको 10 मंजिला इमारत बनानी है तो उसकी जो नींव है, उसकी जो जड़ें हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए, उसी पे आप फर्दर बिल्डअप कर सकते हैं। इसलिए कौशल विकास को हमें ये क्लियर रखना चाहिए कि कौशल विकास बेसिक एजुकेशन का रिप्लेसमेंट नहीं है, बेसिक एजुकेशन के कॉम्प्लीमेंट्री है। और बेसिक एजुकेशन के बाद जो व्यक्ति पढ़ाई में ज्यादा उत्तीर्ण सफल रहते हैं वो हायर लेवल कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। और इसमें एक आर्थिक आयाम भी है। आर्थिक आयाम ये है कि अभी भी अपने भारत देश में बहुत ऐसे लोग हैं जिनमें कैपेसिटी है, जिन्होंने एजुकेशनल बेसिक एजुकेशन में अच्छे डिग्री लिए हैं, परसेंटेज लिए हैं, बट क्योंकि हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स की कमी है या उनमें घुसना कठिन है या महंगा है, बहुत लोग जो अमीर हैं वो बाहर जाते हैं, बाकी लोग कंपटीशन से पार होके आते हैं। तो ये एक वो समस्या है। और दूसरा, जो इन्होंने एक 15-20 साल या 10-12 साल जो स्कूल की पढ़ाई है, मुझे इसमें स्मरण आता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है, जो अपने भारत देश का एक हिसाब से कहें तो सबसे बड़ा स्कूलिंग इंस्टीट्यूशन है, उसमें SUPW सोशल एंड प्रोडक्टिव वर्क का कोर्स प्राइमरी लेवल से ही शुरू होता था। और मुझे याद आता है, मैं भी केंद्रीय विद्यालय में कई साल पढ़ा हुआ हूं, कि उसमें आप वाकई में टूल मेकिंग या कई सारे ऐसे स्किल्स को प्राइवेट स्कूल्स में, और खासकर जो प्राइवेट एक हिसाब से हम कहें अंग्रेजी शिक्षा का जो काफी विस्तार हुआ है, जो अच्छा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर द्वारा हुआ है, बहुत प्रांतों में आप दिल्ली से बाहर निकल जाए तो आप खुद देख पाएंगे कि कितना बड़ा विकास हुआ है, उसमें SUPW का सब्जेक्ट आप मान लीजिए अगर हो भी तो केवल किताब पे, और इसकी मार्किंग नहीं होती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी ये एक बहुत बड़ी कमी रही है। कौशल विकास केंद्रीय विद्यालय संगठन में सिखाया जाता है बट उसकी मार्किंग मेरे जमाने में नहीं होती थी, तो ये एक बहुत बड़ी कमी मेरे हिसाब से। ये याद रखना होगा कि ये प्राथमिक शिक्षा का पूरक है, पूरक कौशल विकास। अगर आप देखें जो सर्व शिक्षा अभियान में जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में पिछले 2 साल से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और असम में एक पायलट के द्वारा एक एडिशनल सब्जेक्ट 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं में शुरू किया गया था। इस साल जो है इसको हम 22 हर स्टेट्स में ले जाकर के 9वीं क्लास में एक एडिशनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने की एक गवर्नमेंट की स्कीम है। दूसरा, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उन्होंने अपने स्कूल्स को भी एक ऑप्शन दिया है कि वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एक तरीके से करें। जो पिछले साल जो हरियाणा में जो लोग पास आउट हुए थे, जैसे उन्होंने 4 स्ट्रीम्स लिए थे, एक सिक्योरिटी, एक ऑटो, एक आईटी और एक रिटेल। जितने भी बच्चे जो जिन्होंने या तो 12वीं क्लास में फेल हो गए थे या पास हो गए थे, लेकिन अपने जो स्किल का जो उसमें पास हो गए थे, उन सबको एक तरीके से नौकरी मिल गई और पास में ही नौकरी मिल गई। तो ये जो प्रोग्राम है, ये स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट स्कूल में के साथ करने का, इसको गवर्नमेंट जो है काफी आगे ले जा रही है। और सर्व शिक्षा अभियान के अंदर एक स्पेशल बजट भी एलोकेट किया हुआ है हर स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। दिल्ली से ही हमारे एक और श्रोता फोन लाइन पर है, धर्मेंद्र।
हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार धर्मेंद्र। सभी अतिथियों को भी नमस्कार। नमस्कार। सवाल ये है कि ये स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम क्योंकि हमारे अधिकतर मजदूर गांव में है, क्यों ना इसको प्राइमरी शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाए। दूसरा सवाल मेरा शोषण से संबंधित है जी। जो कि पहले से ही बहुत हो रहा है। मान लो स्किल डेवलपमेंट जो प्राप्त करके मजदूर जाएंगे और जो स्किल डेवलपमेंट प्राप्त नहीं कर पाएंगे उनमें एक तो भेदभाव, क्या ये जो प्राइवेट कंपनी के जो मालिक हैं भेदभाव नहीं करेंगे? दूसरा ये जो भुगतान करते हैं कम पे तो साइन करा ले, ज्यादा पे साइन करा लो दे कम दे देते हैं, ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा की भी तो कोई गारंटी होनी चाहिए। अभी फिलहाल करीब 24 करोड़ कामगार कृषि क्षेत्र में हैं और लगभग 2 करोड़ निर्माण क्षेत्र में हैं। बिल्कुल सही। और इसी में जो जुड़ी हुई बात आ रही है कि जो इसका मॉडल होगा, ये प्रश्न जो इन्होंने पूछा ये बेसिकली एक मॉडल का इश्यू है। प्राइमरी स्कूल वाली बात हमने कही कि एक श्रोता ने यह कहा कि ये सरकारी क्षेत्र में होना चाहिए। आप उदाहरण लीजिए सिविल एविएशन सेक्टर का। जब भारत में सिविल एविएशन का एकदम से विस्तार हुआ, लो कॉस्ट एयरलाइंस और फ्लाइंग हुई, तो उस समय पे सरकार का तो कोई इंस्टीट्यूट था नहीं, बल्कि सरकार का एक इंस्टीट्यूट पिछले मैं 10-12 सालों से सुन रहा हूं रायबरेली में आना है, कब आएगा नहीं आएगा, और वो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ सिविल एविएशन ट्रेनिंग, पायलट ट्रेनिंग के लिए है। तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर ने रेस्पॉन्ड किया। अपने दिल्ली में ही हम जानते हैं कि छोटे से किसी इंस्टीट्यूट में मशरूम हुआ, एयर होस्टेस की ट्रेनिंग हुई, कई लोगों को रोजगार मिला। तो इसलिए ये एक धारणा छोड़नी पड़ेगी। जो पे डिस्पैरिटी वाली बात इन्होंने कही, क्योंकि प्राइमरी स्कूलिंग वाला उदाहरण हमने डिस्कस किया, पे डिस्पैरिटी का एक विषय है जो मैं मानता हूं कि इन्होंने एक अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि अभी तक कारण यह है कि जो कौशल विकास के जो सारे प्रयास हुए हैं, एक तो ये विकास प्रयास विभाजित हैं कई अलग अलग संगठनों में। मैं ये मानता हूं कि सरकार की सबसे पहली पहल होनी चाहिए कि जो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट है और ये 21 अलग अलग मंत्रालयों में बटा हुआ है, और मैं जानता हूं कि ये इस पे विचार भी हो रहा है, इसको संगठित करके एक मंत्रालय में लाया जाए। पर वो मंत्रालय हर काम खुद नहीं करेगा, वो मंत्रालय अलग अलग स्टेक होल्डर्स के द्वारा काम करेगा। और उससे जुड़ी हुई ये बात है कि अभी तक प्रयास लार्जली कॉरपोरेट्स के थ्रू उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मान लीजिए कोई टेलीकॉम कंपनी है या कोई लार्ज जो संगठित कंपनीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो 7-8% है अपनी इकोनॉमी का, उनको टारगेट करें। आपने जो इस सवाल में बात जोड़ी कि बाकी लोगों का क्या, बाकी लोगों के लिए तभी हो पाएगा जब स्किल डेवलपमेंट का जो मिशन है ये ग्राउंड लेवल तक जाएगा, पंचायती लेवल तक जाएगा, और जिस क्षेत्र में जिस स्किल से रिलेटेड वहां पे उद्योग है। आप मान लीजिए एक और हम बात करते हैं कि एक कारण है क्या, और ये मैं कोई क्षेत्रवाद वाली बात नहीं कह रहा हूं, कोई श्रोता इस बात को बुरा ना माने, आप दिल्ली में अधिकतर देखेंगे कि जो प्लम्बर हैं वो ओडिशा के एक पर्टिकुलर क्षेत्र से आते हैं, मतलब वहां पे उस स्किल की कोई नेचुरल धरोहर है या किस कारण से वर्ड ऑफ माउथ से वो हुआ है, तो उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। बट बहुत सारे ऐसे, जैसे पावर ग्रिड का मैं आपको बताता हूं कि जो बड़े बड़े पावर के पाइलंस लगते हैं, इस पे ऊंचाई पे चढ़ने के लिए आपको कहीं ट्रेंड भारत में लोग नहीं मिलते हैं। शहरी व्यक्ति या और कोई गांव का व्यक्ति जिसने कभी जीवन में पहाड़ नहीं देखा वो उस पे चढ़ने से घबराता है। तो पावर ग्रिड, आप ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन लोगों में एक समुदाय है साउथ इंडिया में जो ताड़ी उतारते हैं, उन पेड़ों पे चढ़ने वाले लोगों के द्वारा ही काफी सालों तक ये काम हुआ है। तो अपने देश में जो अलग अलग विभिन्नता है उसमें कई सारी खूबियां भी हैं, इसलिए स्किल डेवलपमेंट उन चीजों से जुड़ा रहेगा, परंतु ये कभी भी 100% नहीं होगा। आपका पलायन हो सकता है, आपने स्किल एक क्षेत्र में लिया, आपको रोजगार हो सकता है 1000 मील दूर मिले। कौशल विकास के क्षेत्रों की पहचान कर हम उसकी महत्तम क्षमता निकालने की कोशिश करें, बिल्कुल इस दिशा में प्रयास होने चाहिए। दिल्ली से ही हमारे श्रोता वीरेंद्र जी। हाँ वीरेंद्र, अपनी बात कहें। हेलो हेलो, वीरेंद्र जी से अभी हमारा संपर्क कट गया है जी। चुनाव जी, आपसे ये जानना चाहती थी कि एनएसडीसी ये किस तरह से काम कर रहा है। जो एनएसडीसी का जो एक तरीके से, जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया कि विभिन्न प्रांतों में किस कारण, किस टाइप के स्किल्स की जरूरत है, उसको एक तरीके से एक स्किल गैप एनालिसिस किया है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। दूसरा जो है सेक्टर में, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे पावर सेक्टर हो, या केमिकल सेक्टर हो, या टेलीकॉम, उसमें एक स्किल गैप एनालिसिस किया है 21 सेक्टर के लिए। और इसका एक कारण यह है कि जो लोग ट्रेनिंग करते हैं उनको एक तरीके से एक इंडिकेशन मिले कि वो क्या किस टाइप की ट्रेनिंग दे, और इंडस्ट्री और एम्प्लॉयर्स को किस टाइप के लोग चाहिए। तो वो दूसरा, उसको जो पहले
मेरे ख्याल जो चंद्र प्रकाश ने सवाल पूछा था पहले कि जो स्किल लोगों की जो जरूरत है और उसकी जो ट्रेनिंग कैपेसिटी है उसमें काफी कमी है, तो एनएसडीसी का यह प्रयास है कि जो ट्रेनिंग कैपेसिटी हो देश भर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, एनएसडीसी पार्टनर्स करीब 365 डिस्ट्रिक्ट में आज की डेट में, और हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसमें वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलें और जो वहां के लोग रहते हैं उनको ट्रेन करें और या तो वहां पे नौकरी दिलाएं या कहीं और पे नौकरी दिलाएं। तो एनएसडीसी का प्रोग्राम 70% प्लेसमेंट के ऊपर भी फोकस करता है। बहुत दूर से हमारे एक श्रोता चेन्नई से, स्वामी शरण जी। हाँ हेलो मैडम। हाँ नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है मैम कि जब सरकार स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम बना रही है तो साथ में कहीं कोई लिंक क्यों नहीं बना रही है जहाँ उसको जॉब मिल सके, प्लस उसको घूमना ना पड़े हर जगह, स्किल लेने के बाद उसका सही एक्सपीरियंस उसको काम करने के बाद ही। अभी इसी कार्यक्रम में कुछ पहले हमारे एक श्रोता ने इस बारे में पूछा था और उसका जवाब जराबी जी ने दिया था विस्तार से, शायद अगर आप शुरू से यह कार्यक्रम सुन रहे हो। संक्षेप में आपको जो ये बातें जो बताना चाहूंगा कि एक चीज में आप क्लियर रहिए कि जीवन में रोजगार और कामगार बनने के लिए व्यक्ति को कई सारी चैलेंजेस लेनी पड़ती हैं। अपने गांव या शहर से पलायन होना भी एक ये सच्चाई है। दिल्ली में आप देख लीजिए 70% 80% इसी प्रकार के लोग मिलेंगे। दूसरा जो आपने लिंकेजेस का सवाल उठाया उसमें मैं बड़ी बात ये जोड़ना चाहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट को केवल हम जॉब प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा एफर्ट ना माने, हम ये ना माने कि ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज का एक ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट है। इसमें सच्चाई को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारी ग्रोथ की दर लगभग आधी हो गई है पिछले 5 वर्षों में। जब ये वापस उस पुरानी गति पे जाएगी और उससे तेजी होगी तो नेचुरली जॉब्स क्रिएट होंगे। ये एक दिक्कत आज की डेट में है। आज मैं मानता हूं कि जब से रिफॉर्म्स हुए हैं तब से इस देश में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, जबकि रिफॉर्म्स को अगर हम 1990 के दशक से अगर गिने तो एक पूरी ऐसी जनरेशन है पोस्ट रिफॉर्म्स की जो इस देश में पैदा हुई है, जिनको आज पहली बारी ये देश में आभास हो रहा है ग्रेजुएशन करके या कोई टेक्निकल कोर्स करके कि जॉब्स की कमी है। वो इकोनॉमी से रिलेटेड विषय है जी। मुंबई से मोहम्मद वैस। हाँ अपनी बात करें जी। नमस्कार जी। मेरा एक सवाल है कि जैसे हैंड एम्ब्रॉयड जो होता है कपड़ा पे सिलाई आड़ी दुर्गजी का काम जी जी, तो क्या उसको सरकार अपने अंडर में नहीं कर सकता? हाँ चिन्मय जी, तो मोहम्मद वैसे एक काफी अच्छा सवाल किया है। अगर आपने ये प्रधानमंत्री को जब ये प्रेसिडेंट के भाषण के ऊपर डिबेट हो रहा था और उन्होंने जब बजट में वित्त मंत्री ने एक स्पेशल कार्यक्रम अनाउंस किया है कि वो आर्टिजन्स को सपोर्ट करेंगे, और ये एक एनएसडीसी का भी प्रोग्राम है जिसमें कारीगर को सपोर्ट करना, और हमने ये दो ऑर्गेनाइजेशन, एक कारावान है बैंगलोर में और दूसरा इंडस्ट्री है बैंगलोर में, वो आपके जैसे संस्था से जोड़ करके एक डिजाइन इनपुट्स देते हैं और अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स बनवाते हैं और उस प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, बेचते हैं, और उसका एक ये है कि जो उनका जो रिटेल स्टोर में है उसमें आपकी प्रोडक्शन कंपनी के भी एक हिस्सेदारी है। तो वो एक तरीके से अभी कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो प्रोडक्ट रेंज है अभी 3000 कार्यकर्ता बनाते हैं और उनको 3 लाख को ले जाने का एक प्रयास है। हाँ समय बहुत कम है लेकिन हमारे एक श्रोता दिल्ली से इंतजार कर रहे हैं, वीपी यादव। हाँ जल्दी से अपनी बात कहें। हाँ, नमस्कार जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि स्किल डेवलपमेंट में दृष्टिहीनों के लिए क्या कुछ योजना है इसमें? हाँ, या महत्वपूर्ण दरकिनार रखा गया है? हाँ, तो पिछले बोर्ड मीटिंग में एक बड़ा अच्छा सा प्रपोजल हमने अप्रूव किया था, वो एक बैंगलोर में संस्था है डायलॉग इन द डार्क, वो एक तरीके से हर जगह विभिन्न रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं जिसमें लोगों को अंधेरा में खाना की सुविधा मिलेगी और दृष्टिहीन लोगों वहां पे सर्विस करेंगे। अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम बातचीत को और आगे बढ़ा सकें। हमारे आज के विमर्श का निचोड़ था कि एक तरफ बेरोजगारों की बड़ी संख्या और दूसरी तरफ रोजगार की अपार संभावनाएं, इन क्षेत्रों तक कुशल श्रम का पहुंचना ही बेरोजगारी की समस्या का कारगर समाधान होगा।
हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एफएम गोल्ड के स्टूडियो में आने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप चुनॉय और वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ जरावे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पब्लिक स्पीक का ये अंक समाप्त होता है।